say to me now? I wanna wake up with you in the morning. Something's not fake to me now. I wanna wake up with you in the morning. Oh yes, ਵੀ ਜਵਾਨੀ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਮਿੱਠੀ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਸਨ ਨਿਕਲੇ। ਹੈਲੋ ਦੋਸਤੋ, ਸਵਾਗਤ ਕਰਤਾ ਹੂੰ ਆਪਕੇ ਆਪਣੇ YouTube ਚੈਨਲ ਡਾਇਮੰਡ ਡੌਗਸ ਪਰ। ਦੋਸਤੋ, ਅੱਜ ਕੀ ਇਸਕੀ ਵੀਡੀਓ ਆਪਕੋ ਪਤਾ ਹੀ ਹੋਗਾ। ਪਿਛਲੀ ਵੀਡੀਓ ਮੈਂ ਆਪਸੇ ਕਹਾ ਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਗਾ ਜਿਸ ਮੈਂ ਆਪਕੋ ਪਪੀਸ ਕੋ ਧੂਪ ਮੇ ਲੈ ਜਾ ਕੇ ਦਿਖਾਉਂਗਾ ਕਿ ਆਪਕੋ ਵੀ ਪਪੀਸ ਕੋ ਜੋ ਹੈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇ ਧੂਪ ਵਗੈਰਾ ਮੇ ਰੱਖਣਾ ਹੋਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਮੇ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਾ ਤਾ ਕਿ ਅੱਜ ਮੈਂ ਆਪਕੋ ਮਿਲਕੀ ਔਰ ਸ਼ਾਇਨਾ ਕਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਵੀ ਦਿਖਾਉਂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਦਿਖਾ ਤਾ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੀ ਪਪੀਸ ਕੋ ਦੇਖेंगी। ਸੋ ਉਨਕਾ ਵੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹਮ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਮੇ ਨੋਟ ਕਰेंगे। ਔਰ ਮੈਂ ਆਪਕੋ ਕੁਝ ਬਾਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਬਤਾ ਦੇਤਾ ਹੂੰ ਜੋ ਆਪਕੋ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਪਤਾ ਹੋਣੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਆਪਸੇ ਕਹਿ ਹੀ ਰਹਾ ਹੂੰ ਕਿ ਆਪਕੋ ਧੂਪ ਮੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਏ। ਬਟ ਮੈਂ ਆਪਕੋ ਬਤਾ ਦੇਤਾ ਹੂੰ ਪੂਰੀ ਡਿਟੇਲ ਸੇ ਕਿ ਆਪਕੋ ਕਬ ਧੂਪ ਮੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਸੇ ਹਮੇ ਕਿਆ ਕਿਆ ਬੈਨੀਫਿਟ ਮਿਲਤੇ ਹੈ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ, ਪਹਿਲੇ ਆਪ ਇਸ ਬਾਤ ਕੋ ਸਮਝੀਏ ਕਿ ਹਮੇ ਪਪੀਸ ਕੋ ਧੂਪ ਮੇ ਕਿਉਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਏ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਬਾਤ, ਮੋਸਟ ਲੋਗੋਂ ਕੋ ਇਹ इसलिए इसको जो है धूप में ले जाना हमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और फ्रेंड्स, एक बात और है, इस टाइम जो है विंटर का टाइम चल रहा है इसलिए उन्हें धूप वगैरह में रखोगे उससे ये होगा कि इनके पपीज को ना तो ठंड लगेगी ना ही आपको ज्यादा टेंशन होगी हाँ पपी जो है बीमार वगैरह पड़ेगा। सो इसलिए आपको जो है धूप में ले जाना पपीज को इंपॉर्टेंट है। सो दोस्तों, ये वीडियो जो है एक शॉर्ट वीडियो टाइप ही समझ लीजिए आप। इस वीडियो को मैं ज्यादा लंबी नहीं कर रहा हूँ, बहुत छोटी सी ये वीडियो है। सो आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक एंजॉय करना। अगर फ्रेंड्स आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक कर देना जिससे कि आगे आने वाली सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दोस्तों, आपका टाइम वेस्ट करते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, अब हम आ चुके हैं ऊपर पपीज को लेकर और के लिए धूप देना बहुत ज्यादा जरूरी था इसलिए जो है हमने पपीज को थोड़ी देर धूप देने के लिए ऊपर रख दिया है। और जैसे कि मैंने आपको बताया, इस टाइम जो है टाइम हो रहा है 11 बज रहे हैं सुबह की। तो देखिए आप, थोड़ी देर इन्हें धूप देना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और बाकी जैनी भी यहाँ पर आ चुकी है, बोली जैनी, हमारी जैनी भी थोड़ा यहाँ पर आई हुई है घूमने के लिए। और बाकी पपीज तो हम लेके आए थे। और आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ, जैसे कि मैंने आपको बताया था हम देखेंगे कि शाइना वगैरह का क्या रिएक्शन रहता है इन पर। शाइना काफ़ी ज़्यादा बेताब है उनसे मिलने के लिए कि हमें जल्दी से खोलो और हमें पपीज के पास जाने दो। पपीज दिख पा रहे होंगे, भाई जो है पपीज को थोड़ा लेकर बैठे हुए हैं उधर साइड, नीव उधर ही खड़ी होगी आपको दिख रही होगी। भाई जो है शाइना को लेकर आ गए हैं और देखिए शाइना जो है कुछ नहीं कह रही अभी, तो शांत है क्योंकि भाई ने अभी पकड़ी हुई है शाइना, इसलिए थोड़ा सा बट देख रही है। आप देखिए इसका क्या चलता है इन पपीज को देखकर, देखिए अभी थोड़ा सी जो अपनी पूंछ हिला रही है हल्के हल्के करके पपीज को देख देख के। एंड आप लोग भी थोड़ी थोड़ी देर यार जो है पपीज को धूप दीजिए। अगर आपके पास कोई भी न्यूबॉर्न पपीज हुए हैं और जैसे ही उनकी एज थोड़ी हो जाती है, जैसे कि 5 डेज 6 डेज जैसे ही उनकी एज हो जाती है, आप उन्हें थोड़ी थोड़ी धूप देना स्टार्ट कर दीजिए। बिकॉज क्या होता है पपीज को जो है सर्दी लगनी स्टार्ट हो जाती है, इसलिए आप लोग ध्यान रखिए पपीज का। और देखिए जैनी भी आ चुकी है और माँ बेटी की जो है जोड़ी है यहाँ पर, भाई के पास दोनों हैं माँ और बेटी। देखिए जैनी में इतनी अच्छी बात है, ये किसी से कुछ नहीं कह रही। मैं तो इन्हें देखना चाह रहा था कि जैनी इन्हें देख के कुछ कहेगी या नहीं कहेगी, बट किसी से कुछ नहीं कह रही। पहले मैं फ्रेंड्स जो है पप्पीज को थोड़ा पीछे कर देता हूँ बिकॉज ये आगे आ रहे हैं। भाई जो है मिल्की को भी लेकर आए हैं और देखिए यार बिल्कुल भी कुछ नहीं कह रही है, क्यों भाई? और इसकी यार यही आदत इनमें अच्छी है, हमारे सारे डॉग्स में एक दूसरे से कोई कुछ नहीं कहता। और बाकी देखिए मिल्की, मैं तो सोच रहा शायद थोड़ा बहुत कुछ रिएक्शन तो देंगी ये पपीज को देखकर, लेकिन कुछ नहीं है, नॉर्मल है बिल्कुल, कोई रिएक्शन नहीं चल रहा है इनका। बट मिल्की देखिए अब थोड़ा थोड़ा चालू कर रही है रिएक्शन अपना। और जैनी जो है, जैनी तो आराम से अपने बैठी हुई है, कोई उसे टेंशन नहीं किसी बात की कि भाई कोई भी हमारे पपीज को छूते रहे, कोई भी कुछ भी करे, उसे कोई टेंशन नहीं। और बाकी जो है मिल्की यहाँ पर बैठी हुई है। मिल्कू, ओ मिल्कू, कौन है ये, कौन है? और देखिए बैठ चुकी है मिल्की आराम से, अब देख रही है क्या है आखिर, है क्या आखिर। देखिए मिल्की जो घुर्रा रही है इस टाइम, थोड़ा थोड़ा बच्चे हैं, छोटे छोटे बिल्कुल छोटे छोटे बच्चे हैं बेटा, छोटे बच्चे। तो गाइस मिल्की जो है अभी थोड़ा थोड़ा घुर्रा रही है पपीज को देखकर कि ये पपीज आखिर आ कहाँ से गए, ये सोच रही है ये आ कहाँ से गए इतने सारे पपीज, बिल्कुल कहाँ से आए, क्यों केवल अभी तो सूंघ रही है, वैसे थोड़ा थोड़ा घुर्रा रही थी अभी देख देख के, ना पीछे भाग रही डर के मारे। देखता हूँ एक बार इसको इसके पास ले आके देखता हूँ पपी को, देखियो बेटा वो भाई इसका तो फेस देख कर मुझे डर लग रहा है पपी से कुछ कह रहे थे। फ्रेंड्स अब जो है पपीज थोड़ा हाँफ निकले हैं बिकॉज थोड़ा धूप जो है तेज है आज बाकी दिनों से। एंड
देखिए धूप में रखना काफी ज्यादा जरूरी है, बिकॉज जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इससे जो है ना विटामिन एनर्जी काफी ज्यादा प्रोवाइड हो जाती है। अगर पपी में जैसे कि दूध वगैरह नहीं पी रहा है ठंड के वजह से, तो आप थोड़ी देर उसको धूप में रखिए एंड फिर उसके बाद आप उसे मिल्क फीडिंग कराइए, वो आराम से जो है मिल्क वगैरह दे निकलेगा। इस वीडियो को हम जल्दी से खत्म कर देते हैं, बिकॉज जो पपीज हैं थोड़ा सा यार परेशान हो रहे हैं, ज्यादा धूप है इसलिए। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो हमारी यहीं तक थी, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करके जरूर बताओ कि आपको वीडियो कैसी लगी, और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करके जाओ, बिकॉज यार हम ऐसी डॉग्स रिलेटेड वीडियोस लाते रहते हैं और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो आपको और भी मिलती रहेंगे। सो चैनल को प्लीज जाके सब्सक्राइब करो यार, सब्सक्राइब करने में कुछ नहीं जाता, सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करो, ऑल पर क्लिक कर दो, जिससे कि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको पहुंचती रहे। दोस्तों मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए जय हिंद जय भारत।